हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट के बारे में, जो हमारे पास इंटरजेक्शन है। हम लोग सीखेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। लेट अस सी। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग आर इमोशन। फ्रेंड्स, हमारे पास जो इंटरजेक्शन है वो सडन फीलिंग आर सडन इमोशंस को शो करता है। जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जो सडन फीलिंग्स आर सडन इमोशंस को शो करते हैं। अभी सडन फीलिंग या सडन इमोशंस में हमारे पास जॉय भी आ सकता है, सरप्राइज, ग्रीफ, अप्रूवल, मिस्टेक, और इसके अलावा भी हमारे पास सडन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज इंटरजेक्शन देखेंगे कि जॉय के लिए, सरप्राइज के लिए, ग्रीफ के, अप्रूवल और मिस्टेक के लिए कौन से इंटरजेक्शन हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। फ्रेंड्स, जब हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ जॉय मीन्स जब कोई हैप्पीनेस या जॉय आएगा तो कौन से वर्ड्स, कौन से इंटरजेक्शन हम लोग यूज करेंगे। ग्रेट, वाओ, हुर्रा, हुर्रे, दीज वर्ड्स वी कैन यूज इन द जॉय। फॉर एग्जाम्पल, आई से ग्रेट। ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन कहलाती है। एक्सक्लेमेशन साइन क्या होती है फ्रेंड्स, ये शो करती है कि ये एक इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक सडन फीलिंग या सडन इमोशन को शो कर रही है। तो ग्रेट, फॉर एग्जाम्पल, आई से समवन पास्ड द एग्जाम, और योर फ्रेंड पास्ड द एग्जाम, नाउ यू आर सेइंग ग्रेट। ओके, और फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग वाओ, anyone did a good job or anyone has done a good job, your friend, you're saying wow, you have done a good job. Okay, hurrah, for example, we won the match, now you're saying hurrah, we won the match. Or hurray is again the same, hurrah, hurray, we won the match. These are expressions of joy. नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है सरप्राइज। मीन्स अगर हमारे पास सडन फीलिंग और सडन इमोशंस सरप्राइज के आएंगे तो कौन से वर्ड्स यूज होंगे, ये वर्ड्स हमारे पास फ्रेंड्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू से व्हाट, फॉर एग्जाम्पल आई से ही लेफ्ट द सिटी, यू आर सेइंग व्हाट। ओके, और फॉर एग्जाम्पल यू वेंट समवेयर एंड दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सीनरी, सो यू आर सेइंग अमेजिंग। ओके, मीन्स दैट इज अ सरप्राइज। और ओ रियली, फॉर एग्जाम्पल समवन सेड अबाउट योर रिजल्ट एंड यू आर शॉक्ड अबाउट योर रिजल्ट, यू आर सेइंग ओ रियली। ओके, ओ माय गॉड, फंटेस्टिक, वाओ, वंडरफुल, ये सारे फ्रेंड्स सरप्राइज में आएंगे। ग्रीफ मीन्स एनी सारो और एनी पेन, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर ग्रीफ के ये इंटरजेक्शंस ग्रीफ के लिए यूज कर सकते हैं। यू सिंग सो सैड, समवन डाइड, यू सिंग सो सैड। ओके, आर फॉर एग्जाम्पल ओ नो, समवन फेल्ड इन द एग्जाम्स, नाउ यू आर सेइंग ओ नो। ओके, आर फॉर एग्जाम्पल हाउ ट्रेजिक, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, यू आर सेइंग हाउ ट्रेजिक, और हाउ सैड, अलैस, ओ माय गॉड। सो ये सारे फ्रेंड्स हमारे पास ग्रीफ में आएंगे। अप्रूवल मीन्स हेयर, अप्रूवल में हमारे पास ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट, सुपर, आउटस्टैंडिंग, ऑफकोर्स ये सारे अप्रूवल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफिसर डिड अ गुड जॉब, नाउ नेक्स्ट ऑफिसर सेइंग ब्रावो। ओके, और वेल डन, ब्रिलियंट, सुपर, देयर वॉज अ स्टेज परफॉर्मेंस, देयर वॉज अ बेटर परफॉर्मेंस, सो यू आर सेइंग आउटस्टैंडिंग। ओके, सो ये सारे फ्रेंड्स हमारे पास अप्रूवल में आएंगे। If there is any mistake, अगर कोई mistake वगैरह होगी, so friends, mistake के लिए हम लोग oh, oops, my god, oh no, ये हम लोग expressions यूज कर सकते हैं। For example, you dropped a glass, you're saying oh, okay, or you committed any mistake, you're saying oops, you were writing a letter and something and you committed mistake, you are saying my god, oh no. So ये सारे friends mistake में आएंगे। तो friends, ये सारे हमारे पास क्या हैं, interjections हैं, जो हमारी sudden feelings और sudden emotions को ये सारे words जो हैं show कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं इंटरजेक्शन। तो आज इस वीडियो में इतना काफी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, जो टेंसेस की सीरीज होगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल टुडे इट्स इनफ, थैंक यू एंड टेक केयर।